हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, जिसका कोड है 086 का सोल्यूशन बताएंगे आपको। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि मैंने चैनल पर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड नहीं की थी। ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पर फोकस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर की दिखा दूँगा, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बाद में अपलोड करूँगा। और अगर ज़्यादा जल्दी है तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन का ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पे फटाफट फोकस कर लीजिए। और दूसरी बात बच्चों, कुछ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वो बोलते हैं कि सर आपने ये वीडियो अपलोड नहीं की, इसका सलूशन मुझे मिला नहीं। बार बार कमेंट करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, वो चाहे क्लास 8 की वीडियो हो, या 6 की हो, या 7 की हो, या 9 की हो, या 10 की हो, या 11 की हो, या 12 की हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ना कौन सी क्लास की वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। और आपको जो चाहिए आप उसको देख लिया करो, बार बार कमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन को देखे नहीं हो तो आगे इसके सोल्यूशन का भी मेंशन कर दिया जाएगा। अभी ये पेज नंबर 6 हो गया, और ये 7, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, और ये लास्ट 24, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा जल्दी है तो इस आंसर का ट्रांसलेशन ऐप से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतनी इंग्लिश तो सबको आती है कि आप इसका आंसर ऐसे समझ के लिख लोगे, ठीक है। तो देखते हैं आंसर इसके। तो बच्चों, ये रहे इसके आंसर, आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से नोट कर लेना, तैयार कर लेना, याद कर लेना, इसमें से कुछ क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड और वाले के साथ जो सेकंड में दो थे लगा हुआ ऊपर नीचे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सिक्स में भी और था, दो क्वेश्चन थे, अथवा वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सेवन, एट, नाइन, ठीक है। तो नाइन तक कम्प्लीट,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, देख लेना यहाँ से ध्यान से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नाइन के बाद नाइन में जो अथवा वाला क्वेश्चन था और दो क्वेश्चन थे ये हैं, ठीक है ना, उसका आंसर है। फिर 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एक मिनट, 13 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 13 क्वेश्चन है, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लेना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर वसा का पाचन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो आंसर नंबर 13 इधर से नोट कर लेना, उसमें लिखा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में 14, 15, 16, 17 राइट आंसर लिखे हैं, जो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 20 तक कंप्लीट है बच्चों। जो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो 20 तक कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन भी स्टार्ट हो गया बच्चों। 21 का आंसर, 21 के बाद में, 21 में अथवा भी क्वेश्चन था, इसका आंसर इधर है। फिर 22, ठीक है, 22 के बाद में 23 में दो क्वेश्चन थे, अथवा वाला नीचे है, ठीक है, और 23 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ट्वेंटी थ्री के बाद में बच्चों ये 24, ठीक है, 24 का आंसर, उसके बाद में 25, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, 26, ठीक है। फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 27 आंसर नंबर 27, ठीक है। फिर इसमें और था अथवा भी क्वेश्चन था, तो 27 का और इधर है, ये है, ठीक है ना, ए बी सी। फिर इसके बाद में 28 हो गया, 29, 30, 31 का ए बी सी हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 31 के बाद में 32, इसके बाद में 33, ए और बी दो क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन है उनका, 33 कंप्लीट हो गया बच्चों। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया बच्चों, सेक्शन डी 34 का फर्स्ट ए बी सी, सेकंड, ठीक है, सेकंड में भी ए बी सी, ठीक है, फिर और है अथवा वाले में भी ए बी है, ए बी सी, ठीक है, सेकंड में ए बी, फिर और अथवा वाले में ए बी सी तीन है। फिर 35 का आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड, फिर बी, बी का फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 के आगे, बी का सेकंड इधर है, बी का सेकंड। फिर 36 स्टार्ट हो गया, 36 ए का फर्स्ट, सेकंड, बी, सी, उसके बाद में और वाले का आंसर है नीचे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुए, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप यहाँ से नोट कीजिए, याद कीजिए, फिर से तैयार कीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी मिल जाएँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो,
आपको जिस पेपर के आंसर की नीड होगी आप कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।